जैसा कि आपको मालूम है कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। वो तेलंगाना में एंटर हो चुके हैं और कुछ दिन में हैदराबाद में रहेंगे। आज हम यहाँ चार मीनार के पास आए हैं। यहाँ पे घूम फिर के जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे और राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के ताल्लुक से उनका ओपिनियन लेंगे। मैं कर्नाटक से हूँ भाई। तो अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे, कर्नाटक से होते हुए अभी तेलंगाना में आ गए, तो क्या क्या दिख रहा आपको भारत जोड़ो यात्रा का? कुछ असर होगा हिंदुस्तान में? होगा, जरूर होगा। राहुल गांधी कैसे दिखता आपको एज ए लीडर? एकदम योग लीडर, यंग लीडर है, अच्छे लीडर, अच्छे दिखते हैं। क्या पसंद है आपको उनके बारे में? जो उनका काम है एकदम सिंसियरिटी एकदम, और यंग लीडर हैं, जो भी एकदम एक्शन जो भी लेंगे एकदम सडनली लेंगे। जी जी हाँ जी। आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या? मैं हैदराबादी से हूँ। अच्छा हाँ, 25 साल से हैदराबाद है, श्रीनिवास है मेरा नाम। 25 साल से चार मीनार में बैठा हो जी। तो आप ये बोलिए, आपको राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कैसे दिखते हैं आपको? अभी तो अच्छी दिख रहा है जी। जो यात्रा शुरू किया वो तो बहुत अच्छी बढ़िया काम है। अच्छा, क्योंकि दिल्ली में बैठ के जो चला रहे वो ठीक नहीं है जी। पूरा भारत जोड़ना है जी। क्या चल रहा है, कौन स्टेट में क्या चल रहा है, क्या कम हो रहे, क्यों कांग्रेस वीक हो रहे। अभी शुरू किया ना, अभी दो तीन दिन के पहले हम तेलंगाना में भी आ गए, आंध्रा में भी आ गए। एक्चुअली आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तेलुगु पीपल जी जी। ओके, वो तो अच्छा। एज अ लीडर कैसा दिखता आपको राहुल गांधी? I cannot say much, but आप बोल दो honestly जो भी है। That's good. He has to improve himself little better. Yeah. Because to defeat Narendra Modi, yeah, he has to improve. He has to learn the things. Yeah. Very much. Okay. And he has to know what are the problems under the Congress which is going. He has to know. आपका नाम? आशीष राउत। कहाँ से आप? ओडिशा से। तो आपको कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी कैसे दिखते हैं? नहीं, पूरा कांग्रेस अगेंस्ट हूँ। अच्छा, मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। क्या बात है। वो जो भारत जोड़ा यात्रा कर रहा है ना, वो जो कांग्रेस में अभी हो रहा है, वो तो खुद का पार्टी को तो जोड़ नहीं पा रहा है। वो भारत जोड़ा यात्रा क्या करता है। ठीक है, मैं पूरा मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ जी। देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आया तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ, बहुत सारा परिवर्तन हुआ। जैसे कि इंडिया का डेवलपमेंट हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन से क्या अच्छा हुआ? अच्छा हुआ, ब्लैक मनी भी थोड़ा जो मनी था हुआ। आपको पता नहीं लेकिन हुआ बहुत कुछ। अच्छा, एक मैं पर्सनल मेरा ग्रीवियंस बोलता हूँ। पेट्रोल में बहुत पैसे चला रहे, खाने पीने को नहीं बच रहे। खाने पीने को नहीं बच रहा है? हाँ, पेट्रोल में बहुत चला रहे पैसे। नहीं नहीं, वो गलत बात है, मैं तो सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जी कांग्रेस अगेंस्ट हूँ। अच्छा, तो किसी और को सपोर्ट करो, मोदी जी इतनी महंगाई कर दे रहे। नहीं, महंगा क्या, अरे पेट्रोल इतना महंगा, गैस इतनी महंगी, बिजली। अब जरा गरीब को कुछ आना, दुबला हो गया मैं पहले, यहाँ तक था मेरा पेट। जबरदस्त मोटे ताजे थे भाई। नहीं नहीं भैया, वो सब नहीं नहीं, वो मैं नहीं नहीं, वो सब गलत बात है। मोदी जी क्या सब रेट बढ़ा देते हैं वो? अच्छा, कौन बढ़ा रेट? टैक्स की बात नहीं, एक बात का जवाब दियो आप। मोदी जी की सरकार से पहले सिलेंडर 400 रुपए में था। कितने में था? 400 रुपए में सिलेंडर था। अभी मोदी जी की सरकार में कितने में सिलेंडर ले रहे हैं? कितने में ले रहे हैं? क्या यार, खाना नहीं खाते? 1200 रुपए जा रहे हैं। पेट्रोल का रेट क्या था? 48 रुपीज पेट्रोल था लीटर, 45 से भी मैं दलाया मेरी बाइक में। अच्छा, लूना थी मेरे कने, जब बाइक नहीं थी लूना थी। जब 10 साल पहले था 40 रुपीज। ठीक है, एक चीज है कि चलिए महंगाई बढ़ते रहती, लेकिन उसके साथ साथ हमारी वो भी बढ़ना ना, इनकम वो नहीं बढ़ रही। सब कुछ बढ़ता है, क्या नहीं बढ़ता है? सब कुछ नहीं बढ़ रही ना, लोग इनकम बढ़ता है, आपको पता नहीं। 45 ईयर्स में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी सैलरी बढ़ता है, जो आपका पे फिक्सेशन होता है 10 ईयर्स के, मतलब पे फिक्सेशन होता है, तो सब कुछ बढ़ता है, क्या नहीं बढ़ता? बात बताओ मेरे को, कांग्रेस की हुकूमत में जीएसटी नहीं था, ये जीएसटी आ गया, हर चीज से अपने को परेशानी हो गई। अब टैक्स पे करना है, हर चीज पे करना है। अच्छा, कांग्रेस की हुकूमत में नहीं था। मोदी जी की हुकूमत भी अच्छी है, किसी का अच्छा कर रही है भाई, यहाँ से पैसा लेके किसी और जगह पे लगा रहे। टैक्स पे नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट कैसे होगा? क्या हुआ? अच्छा, क्या डेवलपमेंट हुआ ये बोलो। डेवलपमेंट नहीं हुआ क्या? क्या हुआ डेवलपमेंट? क्या नहीं हुआ? आप कहाँ से? यूपी से। उड़ीसा। उड़ीसा में कितने टी हब है ये बोल सकते आप मेरे को? कितना टी हब? टी हब क्या रहता है? अच्छा, तेलंगाना में टी हब बोल के चाय की दुकान फिर टी हब वही है ना।
अच्छा क्या है टी चाय का डब्बा है वो ये बहुत हाईलाइट लेवल में नहीं है भाई ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच। क्या है राहुल गांधी भाई तो दुनिया का फिर के दुनिया का अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि मैं कुछ हूँ बोल के समझ रहे अब उन्होंने कितना त्रिरादरा कर रहे कब देखो जब उन्होंने पैदल ही निकलते रहते टीम के साथ देखेंगे अल्लाह मालिक उनको अगर क्या मैं अभी अगर उनके खिस्मत में रहा तो जरूर मिलेगा नहीं तो पड़ेगा इसका भारत जोड़ो यात्रा पड़ता जरूर पड़ता। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या मालूम अच्छी है। राहुल गांधी कैसे दिखते हैं एज अ लीडर? अच्छा लीडर है जी। और अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो उसका बहुत बेहतरीन काम कर रहा है जी। अच्छा है जी। हम झारखंड से आए और हमारे वहाँ पे कांग्रेस का सरकार है जी तो वहाँ पे अच्छा काम चल रहा है कांग्रेस अच्छा काम कर चल रहा है जी। क्या अच्छा दिखता है आपको राहुल गांधी के बारे में? अच्छा तो बड़े जो खनवानी आदमी है जी वो अभी भी चढ़ गया है अब फिर जुड़ रहा है वो जी तो अच्छा काम करेगा वो। राहुल गांधी एज अ लीडर कैसे दिखता है आपको? अच्छा दिखते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा जो उनका नया इनिशिएटिव है कैसा है? सुपर। आप सपोर्ट करेंगे उनको? हाँ, पहले से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बाप दादा से करते हैं हम लोग। अच्छा, हम कांग्रेस को डालते हैं, किसको भी नहीं डालते, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हम लोग। ओके थैंक। ओ कांग्रेस जरा बैक हो गए ना इसलिए उन्हें आए तो कुछ इम्प्रूव हो गया पार्टी इम्प्रूव होने के लिए आया हूँ इम्प्रूव होता ऐसा भी होता इम्प्रूव इम्प्रूव होता। अच्छा, आपको कैसा दिखता है राहुल गांधी? अच्छे दिखते हैं कैसे? अच्छा ही दिखता। अच्छा इंसान है? हाँ अच्छा इंसान है जी। अच्छा दिखता उनको जी। सपोर्ट करेंगे आप उनको? हाँ कंपलसरी। ठीक है भारत का जो यहाँ का शांति माहौल होना है बस कोई भी जुड़े यही बेकरार रखिए कि शांति का माहौल यहाँ पे रहने वाला है। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है आपकी? अच्छे इंसान है ना? अच्छे इंसान ठीक अच्छे। जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं हर पब्लिक में जोश आ गए हर रेट तेल का रेट बढ़ाया है पेट्रोल का रेट डीजल रेट हर रेट बढ़ाया ये राहुल गांधी पूरा देश को एक जोड़ का एक करने के वास्ते भारत जोड़ो यात्रा का जो कर रहा ना वो बहुत सक्सेसफुल हो गए और भी सक्सेसफुल होते आइंदा 2024 में कोशिश करेंगे कांग्रेस गवर्नमेंट आने के वास्ते कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी संकल्प करा ये यात्रा अच्छे तरह पास हो गए। कहाँ से आप? महाराष्ट्र से। आप? भंडारा महाराष्ट्र। अच्छा तो अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और हर जगह उन्हीं की बात चल रही मीडिया वगैरह पे तो आपकी क्या राय है उनके बारे में और उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में? अभी तो उनका जो भारत जोड़ो यात्रा है चला रहे हैं घूम रहे हैं अच्छी बात है उन अगर अच्छा चलाएंगे तो अच्छी बात है और क्या है जी। आपकी क्या राय है? अच्छा प्रचार मिल रहा है अच्छा हर जगह में अच्छा प्रचार मिल रहा है उनको बहुत लोग बहुत जुड़ रहे हैं और अच्छे जवान लोग उनसे बहुत ये कर रहे हैं जी। अच्छा राहुल गांधी एज अ लीडर कैसे दिखता आपको? अच्छा जवानों के लच्छे बारे में बेरोजगार के बारे में अच्छे उनको बहुत तकलीफ है वो और चाहते कि अच्छा वो लोगों को रोजगार मिले और चाहते कि लोगों को हर एक जवान बच्चों का जीवन लाइफ अच्छा हो और उनका फ्यूचर अच्छा हो और जीवन अच्छा हो जी। आपको कैसे दिखता है एज अ लीडर राहुल गांधी? देखो किसी को तो अपन गलत नहीं बोल सकते झूठ नहीं बोल सकते अच्छे हैं अगर प्रोग्रेस करना है तो क्या बोलते हैं पब्लिसिटी में होना जरूरी है तभी होके प्रोग्रेस हो सकता है। अभी इतने सालों से उन चला रहे हैं लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले ज़्यादा लोग नहीं है लेकिन कांग्रेस जो पार्टी है वो अच्छी है चला सकती है जी। ठीक है शुक्रिया मैम। आप कुछ बोलेंगे? राहुल गांधी कैसा दिखता है आपको एज अ लीडर? अच्छा दिखता है। अच्छा है अच्छा है अच्छा है।